और एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, जबलपुर से ओम प्रकाश धुर्वे ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सांसद राकेश सिंह का बयान, कांग्रेस शासनकाल के बाद पूर्व मंत्री का विरोध बड़ी बात नहीं। कांग्रेस शासनकाल में पनपे रेत खनन माफिया, इनको लेकर के विरोध है, इनको लेकर के ये सारा आक्रोश है। तो जबलपुर से एक बड़ी खबर, ओम प्रकाश धुर्वे ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी सांसद राकेश सिंह का इस पर बयान है, कांग्रेस शासनकाल के बाद पूर्व मंत्री का विरोध कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस शासन में रेत और खनन माफिया पनपा है। कांग्रेस की सरकार के समय पर जिस तरह से रेत माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया पनपा था, उसके दुष्परिणाम अभी भी जनता को झेलना पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने बहुत ताकत और क्षमता के साथ इन पर काबू करने की कोशिश की है और काफी हद तक नियंत्रण किया है। कहीं कोई कठिनाई होगी तो उसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। ओम प्रकाश धुर्वे ने दरअसल खनन माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, शिकायत की है, और अगर शिकायत पर अब भी एक्शन नहीं होता तो खुद ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध करने की या ठेकेदारों का मुकाबला करने की बात की। और इसके बाद सांसद का बयान भी आपने सुना और कांग्रेस शासनकाल को वो दोष दे रहे हैं। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, दरअसल ओम प्रकाश धुर्वे ने जो कुछ कहा है इसके ऊपर शायद बीजेपी घिरी हो, इसलिए सफाई। पुनीत, दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। तो मध्य प्रदेश में अवैध खनन के मुद्दे पर पुनीत कुछ ऐसी ही सियासत होती आई है। एक साल पहले तक जब बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी तो अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा करती थी, और अब जबकि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार है तो बीजेपी के ही आला नेता, बीजेपी के ही पूर्व मंत्री, बड़े नेता, बड़े चेहरे सरकार के संरक्षण में, यानी सरकार के भीतर प्रशासन काम करता है और प्रशासन के संरक्षण में अवैध खनन होने का आरोप लगा रहे हैं। बेहद गंभीर आरोप है ओम प्रकाश धुर्वे के। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि डिंडौरी में खुलकर अवैध खनन चल रहा है जिसकी शिकायत की जाती है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करने की भी एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं और तंज कसते नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं पर। ऐसे में सियासत मध्य प्रदेश की अवैध खनन के मुद्दे पर एक बार फिर गर्मा गई है पुनीत, क्योंकि जीतू पटवारी का अभी अभी एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है, ओम प्रकाश धुर्वे जिस तरह से अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, वो सबूत है कि शिवराज सरकार में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। और उन्होंने कहा कि इसकी बात तो छोड़ दी जाए, साथ ही साथ जो बुधनी का क्षेत्र है, सीहोर का क्षेत्र है जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, वहाँ की तस्वीर भी नहीं बदली है। और कमलनाथ सरकार ने तकरीबन 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन शिवराज सरकार 10 सालों में 250 करोड़ भी जनरेट नहीं कर पाई। इस पर पलटवार अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह करते हैं, जबलपुर के सांसद हैं, हालांकि वो उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर ओम प्रकाश धुर्वे विरोध करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीती कांग्रेस सरकार में खनन माफिया जिस तरह से पनपा, उसका दुष्परिणाम है, जनता को इस तरह के दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। हालांकि शिवराज सरकार अब ऐसे माफिया पर कार्रवाई करने की में तेजी ला रही है और आने वाले समय में हालातों को बदला जाएगा। लेकिन इन तमाम बयानों को सिलसिलेवार अगर जोड़कर देखते हैं पुनीत, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की मुसीबत बढ़ती आ रही है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए उसने खनन के मुद्दे पर, अवैध खनन के मुद्दे पर, रेत खनन के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसके ही एक आला नेता और पूर्व मंत्री मध्यप्रदेश शासन के अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो सवाल है कि या क्या खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? कार्रवाई अगर सरकार की मंशा की भी है तो क्या प्रशासन या लाल फीताशाही इतनी हावी है कि कार्रवाई नहीं हो सकती? और बीजेपी के ही एक आला नेता को अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए चेतावनी देनी पड़ती है, और उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप की यह सियासत बताती है पुनीत की अवैध खनन आज भी मध्यप्रदेश का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जमीन पर कुछ बहुत कुछ हो नहीं पाया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो अब ये कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमेगा कहाँ, और इन सब के बीच में कोई कार्रवाई होती भी कि नहीं होती, ये देखने वाली बात होगी।